स्टार्ट करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारे मेहमानों का जो पहली बार आज इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, जो जानकारी प्रदान करने के लिए जिन्होंने उनको इनवाइट किया है वो जानकारी लेने के लिए आए हैं, उन सबका, और हमारे जो रिसेंटली लास्ट महीने में यानी अगस्त महीने में जिन्होंने हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट किया है, उन सारे एसोसिएट बायर का और हमारे तमाम सीनियर साथी और हम सबके ग्रेट गुरुदेव, हम सबके मेंटर्स, आदर्श, प्रेरणा स्रोत, प्रकाश पुंज, जिनके माध्यम से उनकी अंगुली पकड़कर हम जो चल रहे हैं, मैं सभी साथियों का सुरेंद्र जैन भीलवाड़ा राजस्थान से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने आज के इस कार्यक्रम में आकर के जो आपने अपनी उपस्थिति प्रदान की है, निश्चित तौर पर ये आपकी उपस्थिति व्यर्थ नहीं जाएगी और आज आप यहां से एक सटीक डिसीजन लेकर के और एक बहुत बड़े नए जीवन का, नई आशाओं का एक संचार करने के लिए आप सूत्रपात करेंगे। तो चलिए आए, आप बिल्कुल ध्यान से सुने, किसी का भी कुछ भी अगर आपका सवाल रहता है तो बिल्कुल प्रोग्राम के बाद में हम आपसे रूबरू होंगे। आप प्रोग्राम के दरमियान आप अपना इसको ध्यान से सुने, समझे और मनन करें कि वाकई में ये क्या हो सकता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं आज की डेट में मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आम व्यक्ति का मतलब मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के जिंदगी के कोई भी सपने उसने बुने और पूरे नहीं हो पा रहे, उनको मैं सबको आम व्यक्ति की भाषा में लाता हूं। वो सारे कैटेगरी एक कॉमन पीपल की कैटेगरीज में आते हैं। वो उन व्यक्तियों के सपने क्या क्या होते हैं, जनरली जो कॉमन सपने होते हैं, मैं थोड़ा सा उनको ब्रीफ करना चाहता हूँ। एक शानदार घर हो, बंगला हो, विला हो, एक अच्छा अपार्टमेंट में मेरा फ्लैट हो, यानी एक ऐसा ड्रीम रहता है कि मैं कुछ ऐसा बना लूं यार। वो ऐसे रहते हैं तो मेरा भी एक सपना है कि वहां मेरा घर हो, वहां मेरा एक सोसाइटी में मेरा एक विला हो, इस तरह का उसका एक ड्रीम रहता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊं, मेरी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी रह गई होगी लेकिन मैं अपने बच्चों को बेस्ट बेस्ट एजुकेशन दे पाऊं, ये एक माता पिता ड्रीम लेके चलते हैं। एक लग्जरी गाड़ी हो, जब वो गाड़ी बगल से गुजरती है तो मन में कशिश होती, काश ये मेरी होती, वो सपना ड्रीम उसके जीवन में उधेड़ बुन की तरह चलता रहता है, यानी वो एक कार का, लग्जरी कार का सपना भी लेके चलता है। हवाई यात्रा, घर की छत पे जब वो जाता है और ऊपर से आसमान से वो हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता है, एरोप्लेन को उड़ते हुए देखता है, तो मन में होता है कि काश मैं इसके अंदर भी बैठूं और मैं ऊपर से पूरी दुनिया को देखूं, एक ऐसा ड्रीम उसके अंदर होता है। और मान सम्मान, हर इंसान मान सम्मान का भूखा है सर। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर जो भी व्यक्ति आया है वो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, मेरी शोहरत हो, सब कुछ चाहता है। उसके बाद गहने और आभूषण, उसके परिवार में जो पत्नी है, माँ है, बहन है, जो भी भाभी, हर व्यक्तित्व जिनका व्यक्तित्व निखारता है, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो डायमंड ऑर्नामेंट्स की एक बहुत बड़ी भूख होती है कि यह काश मेरे घर में भी मैं अपनी पत्नी को, मेरी माँ को, मैं वो समर्पण समर्पण भाव से मैं वो सारे गहने आभूषण बना के दे पाऊं। परिवार के लिए उसको समय नहीं मिल पा, यार कहीं जाऊं 5-10 दिन के लिए, मैं इंजॉय कर पाऊं, विथ फैमिली रह पाऊं, ये एक ऐसा सपना ही होता है उसका, वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए जिन लोगों को घूम के जाते आते देखता है, वो देखता है यार ये लोग ऐसा घूम लेते हैं, मैं भी मेरी फैमिली को लेके कहीं जाऊं। एक अच्छा बैंक बैलेंस इसके सपने में जरूर होता है, इतने फिगर हो कि साला कभी ना नहीं कर सके, कभी किसी को इग्नोर नहीं कर सके, कभी किसी के सामने एक्सक्यूज नहीं कर सके, एक ऐसा अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो। मगर मैं आज आपसे सबसे सवाल करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये सारे सपने हम पूरे कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। उसका एकमात्र कारण है, हम इन सपनों के साथ बड़े तो हो रहे हैं लेकिन सपनों से समझौता कर रहे हैं। अब समझौता कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका पिक्चर भी देख लेते हैं। देखिए, हम समझौता कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में पांव देने की जगह नहीं है और बाहर इतने लोग खड़े हैं कि 4 बोगी का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1 बोगी में भरे, ये हालात। हम समझौता कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इस बोगी में पैसा कम लगता है। हम समझौता कर रहे हैं। और देखिए ये हालात है, लोकल ट्रेन अंदर खचाखच भरी है, ऊपर बैठने की जगह नहीं, तो लटक के जा रहे हैं कि साला इसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा और स्टेशन से पहले ही उतर के भाग जाएंगे। ये समझौता वाली जिंदगी है। और देखिए आप बसों की हालत देखिए, अंदर जगह नहीं, खड़े होके फुल भरे हुए, बाहर लटक के जा रहे हैं, ऊपर बैठ के जा, ये जिंदगी का समझौता है सर। आराम से भी जिंदगी जी जा सकती, लेकिन क्या है, इस दुनिया ने जिस तरह से आपकी कीमत लगाई है, उस कीमत से वो आप सपने पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इस समझौते की जिंदगी को जी रहे हैं। और देखिए सर, अगर हम 2 व्हीलर चलाते हैं तो ये हालात है,
कि कहीं दो राउंड ना करने पड़ जाए, पेट्रोल ज्यादा ना जले, इसलिए कैसे बिठाते हैं भगवान ही समझता है, या वो बिठाने वाले समझता है, जिसकी कैपेसिटी कंपनी ने 2 सीट की बनाई है, वहां पर आप 6-6 को लेके जा रहे हैं। ये हालत देखिए, जहां पर 2 सीटर बाइक है वहां पर 4-4 बैठ के जा रहे हैं। जहां अब इसने तो हद ही कर दी, जो लोडिंग व्हीकल का मटेरियल है उसको आप 2 व्हीलर बाइक पे लेके उसी पे आप सवारी भी लेके जा रहे हैं। मतलब कहां कहां आदमी समझौता नहीं कर रहा है। अब देखिए कैलकुलेशन, मतलब ये हालात है। और सबसे बड़ी चीज तो आप देखिए, ये रिक्शा जिसमें 2 सवारी बैठती है, साइकिल रिक्शा जिसमें 2 सवारी का कैपेसिटी है, आप मैक्सिमम करोगे तो 3 बिठा लोगे। अब इसमें तो गिनने की भी काउंटिंग करो तो लगता है कि साला ये कैसे है। और फिर उसको चला रहा है, मतलब ये नहीं कि वो पेट्रोल डीजल से चल रही, वो खुद चला रहा है, यानी चलाने वाला भी समझौता कर रहा है और जाने वाले भी समझौता कर रहे हैं। ये हालात है साइकिल जिसपे 2 सवारी बैठने का है उस पर, आप देखिए क्या हालात है। और ये हालात बच्चों की एजुकेशन के लिए, जब हम लोरी या व्हीकल करते हैं उसको ले जाने के लिए, वो व्हीकल किस पोजीशन का है वो आप देख लीजिए। ये क्या है सर? ये है समझौते की जिंदगी इस उधेड़ बुन की दुनिया में। आखिर ऐसा समझौता क्यों हो रहा है, क्यों हम समझौता कर रहे हैं? इसका एकमात्र कारण है सर, जो मैं पहले भी बोला, पुनः बोलना चाह रहा हूं, कि आपकी कीमत इस बाजार ने, इस दुनिया ने जो लगाई, उस कीमत के आधार पर आप अपने इन सारे कार्यों को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाने से आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जाने अनजाने आप समझौता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वो आगे बढ़ता है, लेकिन ये समझौता करने वाले परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो समझौते भरी जिंदगी को जीते जा रहे हैं। समय के साथ वो अपने आप को बदल नहीं रहे, समय के साथ वो बदलते हुए घटनाक्रम को महसूस नहीं कर रहे, इसलिए वो पीछे जाते जा रहे हैं। और दुनिया में कुछ लोग समझ के साथ और समय के साथ बदल के अपने आप को आगे लेते जा रहे हैं। आइए, परिवर्तन संसार का नियम है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए परिवर्तन, 20 रुपए किलो का आलू हम लोग 300 रुपए किलो में खरीदने के लिए तैयार है, खरीद रहे हैं, क्या ये परिवर्तन नहीं? बिल्कुल है, इसको आपने एक्सेप्ट किया है। 1970 से पहले प्लास्टिक जो हमारे घर में कभी आया नहीं करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दादाजी बोलते थे कि प्लास्टिक प्लास्टिक मत रखो घर में, इससे बीमारी आती, उस जमाने की बात जब हम छोटे थे, लेकिन हम नहीं मानते थे हमारे उस जो, क्योंकि समाज को देख के परिवार में ये चीजें आती है। आज आपने प्लास्टिक को हर घर में जगह दी है और हर घर की मजबूरी बना, ये प्लास्टिक उद्योग बहुत बड़ी रेवेन्यू कर रहा है, इनकम कर रहा है, क्या ये परिवर्तन नहीं है? कलर टीवी, 1980 से पहले कलर टीवी नाम का कोई बीमारी नहीं था, एक शटर वाला टीवी आता था, शटर खोलते थे एक ब्लैक एंड व्हाइट डब्बा दिखता था, लेकिन परिवर्तन हुआ 1980 के बाद में, कलर टीवी आया, उसमें फिर परिवर्तन होता गया। कलर टीवी पहले चौड़ा आता था डब्बा टाइप, धीरे 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 वो ऐसा आया कि टेलीविजन तो स्लिम एंड फिट हो गया, इंसान मोटापा में कन्वर्ट हो गया, जो डिब्बा टीवी का ऑप्शन था वो इंसानों में आ गया, और जो टीवी का ऑप्शन था कलर टीवी का डब्बे का, वो आज इंसानों में आने के बाद टीवी एकदम स्लिम एंड फिट हो गई। ये क्या परिवर्तन नहीं है? इसको भी हमने एक्सेप्ट किया। आज आप बताइए किसके घर में बड़ा डब्बा है? नहीं है, होगा तो भी शायद वो खटारे में पड़ा होगा कहीं, डब्बा पैक करके रखा होगा, और उसके घर में बेडरूम में डाइनिंग हॉल में गेस्ट रूम में कोई बड़ा सा एलसीडी एलईडी लगा हुआ होगा, और अभी तो है फिंगरप्रिंट से एलईडी चलना लग गया, ये परिवर्तन हो रहा है, इसको हमने स्वीकार नहीं किया। 2000 के अंदर मोबाइल आया, उससे पहले क्या था? एक डंडी वाला मोबाइल था, वोकी टोकी टाइप का, और उसमें हम वो करते थे। आज की डेट में मोबाइल में सारा काम होता है, और इतना हो जाता है कि हमें किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज आसानी से कर सकते हो, क्या इस परिवर्तन नहीं है? इसको हमने स्वीकार नहीं किया। और आगे देखिए पोस्ट कार्ड, कौन आज की डेट में पोस्ट कार्ड लिखता है? हैंडराइज करके बता सकते हैं मुझे कि सर आज भी मैं पोस्ट कार्ड पे ही काम करता हूं, मेरी सूचना पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजता हूं? शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा। इसकी जगह ले ली आज याहू मेल, जी मेल, रेडिट मेल। समय के साथ क्या ये परिवर्तन नहीं? पेपर पेन डायरी की जगह आज टैबलेट ने ले ली, नोटपैड ने ले ली, ये परिवर्तन नहीं है? नॉर्मल ताला आज फिंगरप्रिंट सेंसर से ताला लगने लग गया घरों में, जो नॉर्मल चाबी वाला ताला होता था उसको लोग भूल गए, आज सेंसर और फिंगरप्रिंट से ताले लग रहे हैं घर में, क्या ये परिवर्तन नहीं है?
जो पहले साइकिल आती थी दो पहिए की और एक सीट एक होती थी, आज वो साइकिल रेसर साइकिल में बदल गई। 4,000 3,000 5,000 की साइकिल आज की डेट में, जो उस जमाने में 1,000 1,500 की साइकिल आती थी, आज की डेट में वो साइकिल 15 15 20 20 हजार की साइकिल हो गई। क्या ये परिवर्तन नहीं है? इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया? कब तक घूमते रहे? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है ये आज आप ध्यान से देखिए। हमारे जो नए मेहमान आए, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इस समझौते भरी जिंदगी को क्यों जी रहे हैं? वो समस्या ये है सर, हमारे पास समय नहीं है। किसी को भी बात करिए, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं, सीधा बोलेगा समय नहीं है। उसके बाद क्या, मेन पावर नहीं, मैं अकेला क्या क्या करूं? जवाब मिलता है, मैं अकेला क्या करूं, क्योंकि उसके बाद मल्टीपल मैन पावर्स नहीं है इनकम के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसी वजह से उसकी इनकम का भी एक लिमिटेशन आ गया। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए आज आए हुए हमारे सारे मेहमानों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी बातों को आप गहराई से समझे, क्योंकि आज अगर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, आज आपके पास मैन पावर की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले फ्यूचर में आपके पास इनकम की प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली। आज है, मगर आज समझौता करके जी पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब डे बाई डे आपके इनकम को और आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तो 100% आप इस इनकम वाले चैलेंजेस को बहुत बड़े रूप में फेस करोगे, जिससे आपका सब कुछ आने वाले समय में जो है ना, वो आपका केवल ड्रीम ही रह जाएगा, कोई भी ड्रीम आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। और ये मेहनत की पैसा जो आप कमाते हैं ना, खून पसीने की कमाई जिसको बोलते हैं, वो सारी कमाई हमको इन्हीं खर्चों में करने में चली जाती है। हम कमाते हैं कि आज मैं 20,000 कमा रहा हूँ, 25,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ, 1,00,000 रुपया भी कमा रहा हूँ, तो सर ये पैसा आप जितना कमा रहे हैं उसी हिसाब से आपने अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बना रखा है, तो सो वो लाइफ स्टैंडर्ड उसी हिसाब से चलते हुए आप सेविंग मोड में नहीं आ पाते, आप फ्यूचर प्लानिंग मोड में नहीं आ पाते, और मेंटेन करते हुए अपने सारे खर्चों को आपकी इनकम को बैलेंस कर लेते हैं, और हाथ में नील बटा नील आ जाता, इसलिए समझौते भरी जिंदगी को आप जीते। और ये खर्चा कहाँ पे करते हैं? परंपरागत बाजार में, ट्रेडिशनल मार्केट में, जहां पर एक ग्राहक एक अपने नजदीकी दुकान पे जाता है, वहां से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। वो दुकान लाला मोहन सोहन किसी भी नाम से हो सकती है, उस दुकान पे जाता है, वहां अपनी लिस्ट देता है, और वहां से वो सामान कंज्यूम करता है, उसको पैसा देता है, घर आके उस सामान को यूज करता है, फैमिली यूज करती है, दैट्स ऑल। ये है, इसको बोला जाता है परंपरागत व्यापार। लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे कि वो दुकानदार जहां से आप सामान लाए, क्या उसने अपने घर में बनाया था? नो, उसने नहीं बनाया, उसने अपने बड़े दुकानदार, अपने से बड़ा व्यापारी जो होलसेलर के नाम से जाना जाता है, वहां से वो सामान लाता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सेलिंग कैपेसिटी के आधार पर, अपनी कैपिटल के आधार पर, उसको बोलते हैं रिटेलर, छोटा दुकानदार, खुचरा व्यापारी, वो आपको सप्लाई देता है। लेकिन होलसेलर भी घर में नहीं बनाता भाइयों, वो अपने उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसने बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे वो प्रोडक्ट लाके आप जैसे आपके गली मोहल्ले के दुकानदारों को सप्लाई करता है। लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है? नो, वो एक C&F को ढूंढता है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट जो होता है, उसको ढूंढता है कि भैया मुझे अमुक प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, उससे हमारा टाई अप करो और मोनोपोली दिलवा दो। अब वो एजेंट उस कंपनी को सर्च करके कंपनी से कोलोबरेशन करा देता है डिस्ट्रीब्यूटर का, और वो कंपनी उस प्रोडक्ट को इस चैनल के माध्यम से आप और हम जैसे इंसानों के पास घरों तक पहुंचाती है। इस चैनल को बोलते हैं परंपरागत व्यापार। इस परंपरागत व्यापार में कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसका अपना जो प्रॉफिट कॉस्ट है, जो भी उसका नियम है प्रॉफिट लेने का, वो जोड़ करके एक रेट बनाती है, रेट फिक्स करती है, उस रेट के आधार पर वो प्रोडक्ट को मार्केट में निकालना चाहती है। लेकिन मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन हमारे नए आए हुए हैं, क्या कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी प्रॉफिट को जोड़कर वो सीधा आपके द्वार तक आ गया? नहीं आता सर, आप सबका जवाब मुझे पता है, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो बैठे ना हमारे बहुत शानदार शानदार बड़े पेट वाले सेठ, बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों वाले सेठ, ये फ्री में सेवा नहीं करते सर। इन्होंने करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्होंने बड़े बड़े गोडाउन ले रखे हैं, इन्होंने बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं, इन्होंने स्टाफ हायर कर रखे हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज हायर कर रखी, इन सब की कॉस्ट जोड़कर ये भी अपना प्रॉफिट लेंगे।
तो निश्चित तौर पर जब सबका प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में ऐड होगा तो 100% वो प्रोडक्ट जो कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़कर उस रेट में देना चाहती है, इनके प्रॉफिट को जोड़ करके एक एमआरपी निकालती है, ताकि आप उस एमआरपी को पे करें और कंपनी नेट प्रॉफिट के साथ कॉस्ट लेती है, बाकी का जो बीच का पैसा है वो पैसा ये बीच वाले लोग ले जाते हैं। अब यहां पर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आता है एडवर्टाइजमेंट का, पब्लिसिटी। अगर आपको एक चमचमाता हुआ चेहरा आकर के नहीं बोले कि फला फला प्रोडक्ट ये टिंग टॉन्ग, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस चेहरे पर विश्वास है, प्रोडक्ट पर नहीं है। मैं बहुत सच्चाई वाली बात बयां कर रहा हूं, आपको उस चेहरे पर विश्वास है कि ये व्यक्ति जो चेहरा जिसको देखते आप पहचान जाते हैं और उसको दिल से आप प्यार करते सम्मान करते, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होगा। और आप उसके विश्वास से आप मार्केट में जाके अपने नजदीकी दुकानदार के पास जाके उस प्रोडक्ट की डिमांड बना देते हैं। क्या भैया वो सम्मान वाला चेहरा फ्री में सेवा करता है? नहीं, वो चंद सेकेंडों के करोड़ों रुपए लेके चला जाता है। और वो पैसा माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर डॉटर सिस्टर्स, ये आपका और हमारा मेहनत का पैसा होता है जो हम खुचरा दुकानदार के यहाँ पर देते हैं। उसमें एमआरपी जुड़ी हुई होती है, इसी एमआरपी में वो करोड़ों रुपया छुपा होता है जो हमारी पॉकेट से जाता है, हमारे खून पसीने की मेहनत से जाता है। हमको ये पता नहीं चलता कि हम इस 50 रुपए की चीज को हम 100 रुपए में खरीद लेते हैं और 50 रुपया इन बीच वालों को बांट देते हैं हमारी खून पसीने की कमाई का। यहां पर एक बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हुआ। अब क्या क्या कमियां है इसमें वो देखेंगे कि परंपरागत व्यवसाय में जो कमियां है, इस व्यापार में कमियां जो ढूंढी गई, अर्थशास्त्रियों ने चेक किया तो इसमें कमियां नजर आई कि इस व्यापार में पूरी चैनल में ग्राहक को छोड़कर सब प्रॉफिट कमा रहे, जबकि सबसे वैल्यूएबल है वो है हमारा ग्राहक, कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को हटा दें तो ये सारे कोई काम के नहीं है, तो इंपोर्टेंट कंज्यूमर है लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा है? बाकी सबको हो रहा है, कंज्यूमर ग्राहक को छोड़ के। अब दूसरी सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट है वो ये है कि पूरा का पूरा व्यापार कंज्यूमर के पैसों से चलता है, ग्राहकों के पैसों से चलता है, लेकिन ग्राहक को अपनी मेहनत का पैसा वापस उसको कोई भी प्रॉफिट में या पार्टनरशिप में उसको कन्वर्ट नहीं करता, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तीसरा क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट के जो एडवर्टाइजमेंट में प्रचार प्रसार में जो खर्चा लग रहा है उसका भी भुगतान ग्राहक कर रहा है। आप सोच के देखिए, यानी जो पैसा कंपनी को या इन बीच वालों को देना चाहिए भी, ये तो उनका मार्केटिंग बढ़ा रहा है, लेकिन वहां पर पैसा कौन दे रहा है? एमआरपी से ग्राहक दे रहा है। तो ये नुकसान देखा। फिर और क्या देखा? ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं। अब यहां आपने हजारों बार पेपर, मैगजीन में, न्यूज में, मीडिया में आपने सबने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि फला फला कंपनी के ऊपर डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिले गए, फला फला ब्रांड के डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिले। क्या आप और हम यूज कर रहे हैं उस ओरिजिनल की गारंटी है? नहीं है। और दूसरी इसके बाद और जो आपके मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही वो ये है कि ग्राहकों को विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं ना वो इतने गुमराह करने वाले होते हैं और उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट छुपा होता है। एक ऐसा विज्ञापन आता है वो कितनी ऊंची पहाड़ पे खड़ा होता है, पता नहीं, कोई एक बोतल खाली करता है और धाम से कूद जाता है, बोलता मेरे इसका राज ये। अरे भाई, घर के 15 फीट की छत से नीचे कूदता आदमी अगर उसको पी के तो भी वो हाथ पांव तो तुड़ा ही देता है, और गलती से अगर सर के बल गिर गया तो ओम नमः स्वाहा। मतलब इस तरह से गुमराह किया जाता है और हम उस बात को मान लेते हैं। कंज्यूमर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या? वो जो बोल रहा है वो गलत नहीं होगा, कभी हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते, और ये जो गुमराह करने वाली पद्धति उसमें भी वो पैसा कमा रहे हैं और हम पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जो और मिसअंडरस्टैंडिंग या वो जो कमियां है वो ये रही कि पूंजीपति लोग और पूंजीपति हो रहे हैं, यानी करोड़पति तो और करोड़पति बन रहा है लेकिन ग्राहक कभी भी करोड़पति नहीं बना। आप देखेंगे एमआरपी दे रहा है, मेहनत ग्राहक कर रहा है, ग्राहक से ये सब चल रहे हैं लेकिन ग्राहक कभी करोड़पति नहीं बन रहा। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। उसके बाद कॉमन पीपुल, जिसमें आप हम सब साथी और शामिल है, हमारा डेवलपमेंट का कोई इसमें प्लानिंग नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में इसमें केवल एक ही पैटर्न है, जिसने पैसा लगा रखा है वो ही कमाएगा, जो पैसा खर्च कर रहा है वो नहीं कमा सकता। तो ये सारी कमियों को देखा गया। तो उसके बाद एक सिस्टम का निर्माण हुआ जिसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यहां कंपनी और
कस्टमर को एक साथ कर देते हैं, बीच वालों को हटा दिया जाता है। कंपनी बोलती है कि मैं थोड़ा सा बाहर आऊंगी, आप कंज्यूमर को बोलते हैं आप थोड़ा सा मेरे यहाँ पर आइए। कंपनी अपने स्टोर खोलती है, अपने शोरूम खोलती है, और कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाने वाली होती है, इसलिए कंपनी को टेंशन नहीं, और ग्राहक को सारे प्रोडक्ट कंपनी के स्टोर के माध्यम से मिलते हैं। तो बीच वाला जो चैनल है वो सब चैनल गायब हो जाता है, और जो बीच का 50 रुपया है जो आप और हमारी मेहनत की कमाई का है वो पैसा बच जाता है। तो कंपनी ये कहती है कि ये पहले भी मेरा नहीं था, आज भी मेरा नहीं है, और भविष्य में भी मेरा नहीं रहेगा। यह पैसा ग्राहक की जेब से निकलता था, और इसी पैसे को हम वापस ग्राहक को देंगे, क्योंकि यह हमारा नहीं है। अब यहां पर ग्राहक ही हमारा भगवान है, ग्राहक ही हमारा पब्लिसिटी करने वाला, एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, ग्राहक ही हमारा वो है सीएनडीएफ है, ग्राहक ही हमारा होलसेलर है, ग्राहक ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, और ग्राहक ही हमारा रिटेलर है, और ग्राहक ही हमारा यूजर है। यानी सारे पावर अब किसके पास आ गए, वो आप और हम जैसे आम उपभोक्ताओं के पास आ गए। इस सिस्टम का नाम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम रखा गया है सर। यहां पर कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई विज्ञापन नहीं होता है, और सीधा का सीधा फायदा ग्राहक को वापस मिल जाता है। ये सबसे प्लस पॉइंट इसमें। इसके बाद ये सबसे बड़ी बात आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, जो हमारे नए मेहमान है, कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड 70 सालों से चल रही है, हिंदुस्तान में पिछले 25-26 सालों से ये इंडस्ट्री का कंटिन्यू चलन है, लेकिन पिछले साल भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को कानूनन दर्जा दे दिया है। यानी अब ये ऑथेंटिकल इंडस्ट्री भारत में हो चुकी है, और आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऐसा भारत सरकार की जो सर्चिंग जो ऑथेंटिकल जो कंपनीज होती है जो सर्वे करती उनके द्वारा बताया गया, जिसमें KPMG फिक्की बहुत बड़े नाम है, जो पूरे आने वाले 20-25-50 सालों की एनालिसिस करके प्लानिंग करती है कि कौन सी इंडस्ट्री अब ग्रोथ करने वाली, कौन सी इंडस्ट्री डाउन होगी, कौन से नए सेगमेंट्स का जन्म होगा। इसके आधार पर उनका जो ये भविष्यवाणी है, उनकी जो ये आने वाले भविष्य की जो कल्पना है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय लगभग 2025-26 तक 30,000 करोड़ का व्यापार हिंदुस्तान में होने वाला है। यानी इतने सारे डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर जुड़ने वाले हैं, वो अपने प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। उसमें RCM बिजनेस एक ऐसा ब्रांड है जो आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको और हमको बहुत आगे लेके जा रहा है, बहुत आगे ये सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। आइए उसी के बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा कंपनी की पोर्टफोलियो के बारे में बता दूं, क्योंकि नए मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं नए मेहमानों को बताना चाहता हूं कंपनी का नाम, फर्म नेम, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सारी डिटेल्स आपको बताता हूं। मैं कंपनी का फर्म नेम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान से ये कंपनी रन कर रही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये 1977 से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब है, तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्होंने स्टार्टअप किया, और आज लगभग 40 से भी ज्यादा सालों का इनको बिजनेस एक्सपीरियंस है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं। और ये ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे सारा काम करते हैं, हिंदुस्तान की टॉप 10 टेक्सटाइल यूनिट्स में अपना एक नाम रखते हैं फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और वेल रिपोर्टेड ग्रुप के रूप में आज इनका नाम पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे इंडिया में लिया जाता है, छाबड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो, जिसके आधार पर मैं नए मेहमानों को बताना चाहता हूं कि कंपनी कितनी पुरानी है। इसी कंपनी ने RCM बिजनेस के नाम से अपने ब्रांड को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतारा अगस्त 2000 से। इससे पहले ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, शूटिंग यानी पैंट पीस का कपड़ा बनाते थे। अगस्त 2000 से इन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। RCM बिजनेस का ब्रांड से हेड ऑफिस भीलवाड़ा राजस्थान में है, स्वरूपगंज में, और ब्रांड नेम RCM, और उसका मीनिंग है RCM का राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हिंदी में अगर बात करें तो बाजार करने का सही तरीका। तो सही तरीका ये है, गलत तरीका जो मैंने बताया था, परंपरागत व्यापार ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें कुछ लोग अमीर होते हैं, ग्राहक का शोषण होता है, यहाँ पर आपको सारे डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट या कोई बिचौलिया नहीं है, और यहाँ सारा का सारा फायदा ग्राहक को मिलने वाला है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी पैटर्न को, और इसी इंडस्ट्री को इन्होंने स्टार्ट किया अगस्त 2000 में। आज ये देखिए, जो अगस्त 2000 से शुरू हुआ, तो आज 22 साल इस इंडस्ट्री को हो गए, जिसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा राजस्थान में, ये RCM वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसके पूरे कैंपस की, अगर मैं एक कैंपस की पूरी आपको डिटेल बताऊं, तो ये 17 लाख स्क्वायर फीट में ये हमारा कैंपस फैला हुआ है, जो राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। इसमें आपको सब तरह का आपको मिलेगा, ग्रीनरी भी है, गार्डनिंग भी है, आपको एंजॉय करने के लिए ऑप्शन भी है, गेस्ट हाउस भी है, कैंटीन्स भी है, ऑडिटोरियम्स भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी, यानी
ऑल इन वन कैंपस जिसका नाम है आरसीएम वर्ल्ड, यहां आपको जरूर आना चाहिए, इसको देखना चाहिए। उसके अलावा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो ये है भीलवाड़ा राजस्थान में, यानी आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद गुवाहाटी, रुड़की उत्तराखंड, गुवाहाटी आसाम, तीन जगह हमारी कंपनी की बहुत बड़े बड़ी लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जहां से कंपनी अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके भीलवाड़ा सेंट्रल वेयर हाउस से ला करके वापस इन प्रोडक्टों की रॉ मेटेरियल से लेकर फिनिश मेटेरियल तक की पूरी R&D टेस्ट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टीम लगी हुई है, बड़े बड़े रिसर्चर्स कंपनी ने हायर कर रखे हैं जो अपने एक एक प्रोडक्ट की पारखी नजर से चेक करके फिर आप और हम जैसे आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ ये अश्योरेंस मिल जाता है कि प्रोडक्ट की बारे में हमें कोई भी गलत फहमी ना रखनी चाहिए, क्योंकि मन में एक सवाल जरूर आता होगा कंपनी डायरेक्ट बेच रही है तो क्वालिटी कैसी होगी पता नहीं। तो मैं आपको यहाँ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कंपनी ने तीनों यूनिट्स में और भीलवाड़ा के सेंट्रल वेयरहाउस में अलग से अपनी R&D टीम और लेबोरेटरीज लगा रखी है, जहां पर पूरा का पूरा प्रोडक्ट का लेबोरेटरी माइक्रो लेबोरेटरीज से भी टेस्टेड होकर के वो प्रोडक्ट आपके और हमारे पास आता है। अब इतनी बड़ी तैयारी के बाद कोई साधारण कंपनी तैयारी नहीं हो सकती, इसके उद्देश्य होते हैं, क्योंकि कोई भी काम जब शुरुआत होता है तो उसके पीछे आने वाले भविष्य की कोई कल्पना होती है। वैसे ही आरसीएम जब 2000 अगस्त में स्टार्ट हुआ तो इसके उद्देश्य थे और महान उद्देश्यों के साथ ये शुरुआत हुई दोस्तों, जिसमें तीन बड़े उद्देश्य जिनको सोचने से ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। स्वास्थ्य रक्षा, जी हाँ, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कंपनी काम कर रही। बाहर की दुनिया में कंपनी मिलावट करके माल बेचती है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना, दुनिया जाए भाड़ में, यहां पर कंपनी बोलती मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे साथियों के स्वास्थ्य को कमाना है, स्वास्थ्य बचाना है, जो मेरे यूजर है, जो मेरे प्रोडक्ट के यूजर है, मेरे पर विश्वास करके मेरे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी। नए भारत का निर्माण, आपने देखा होगा अभी सिस्टम की जब शुरुआत हुई कपिल देव जी ने प्राण गीत चलाया था, यहाँ पर उन्होंने एक परिकल्पना रची थी उस गीत के माध्यम से कि ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, मजबूर नहीं महान बने, भारत माँ की शान बने। ये अपने आप में एक बड़ा उद्देश्य है जिसको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी आज इसी उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है और एक नए भारत का निर्माण कर रही है। स्वावलंबन, हम सब अपने पांव पर खड़े हो, हम अपने बड़े बुजुर्गों के या अपने पेरेंट्स के आधार ऊपर डिपेंड ना हो, ऐसा कंपनी चाहती है कि हर एडल्ट एज वाला 18 साल से ऊपर का व्यक्ति आए और इस सिस्टम के साथ अपना एसोसिएशन करे और अपना स्वावलंबन, खुद अपने पांव पर खड़े होकर अपना रोजगार का एक जरिया बने, एक ऐसा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य आरसीएम बिजनेस लेकर के आज आगे बढ़ रही है। क्योंकि साथियों, भारत में सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, और उस बेरोजगारी को भारत सरकार नहीं दूर कर सकती, आपकी अपने राज्य की सरकारें दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हो ही नहीं सकता, इतना ऑप्शन ही नहीं है सरकारों के पास कि वो आपको कोई जॉब अप्रूव कर सके, जॉब आपको जॉब का लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेज सके। लेकिन आरसीएम बिजनेस और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको रोज आह्वान करती है, आइए समस्त भारतवासी एक साथ अगर आज आकर के आरसीएम के साथ एसोसिएट करे, सारे के सारे स्वावलंबी बन सकते हैं, इतना बड़ा अभियान छेड़ा गया है। अब इतनी बातें कर रहा हूं तो नए मेहमानों के पास तो एक दिमाग में उथल पुथल मच रही होगी, एक कीड़ा खा रहा होगा कि क्या है आरसीएम यार, इतनी बातें कर रहे हैं, ये है वो है कंपनी इतनी बड़ी, आइए उसको जानते हैं। आरसीएम एकमात्र सिंपल भाषा में बताऊं, खरीदारी का नया तरीका है। पुराने तरीके आपको पता है, दादाजी की अंगुली पकड़ के पिताजी जाते थे, पिताजी की अंगुली पकड़ के हम जाते थे, वही दुकान आज कई सालों से चल रहे, उस दुकान में पीढ़ियां बदल गई, वो छोटी सी दुकान आज शोरूम में बदल गई, क्या ये तरीका हम बदल नहीं सकते? बदलेंगे तो ये पैसा वापस, जो बीच का पैसा है, बिचौलिया नहीं है, ये वापस हमारे पास आ सकता। इसलिए क्या है आरसीएम, सिंपल भाषा में बताएं तो खरीदारी का नया तरीका है। और क्या खरीदने, इसको ध्यान से देखिए, ये सारे वो प्रोडक्ट जो हमारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक और गुड नाइट से अगेन गुड मॉर्निंग तक हमारी 24 घंटे की लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आज आरसीएम बना रही है। आइए उन प्रोडक्टों के बारे में जानते हैं, क्या है वो प्रोडक्ट। एक डेली गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो हमारे प्रोडक्ट चलते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट है, वो ये है गुड डॉट, अपना एक रेडी टू ईट सीरीज में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स जो हमारे हर स्वास्थ्य की जरूरत है, हेल्थ गार्ड, हमारा राइस ब्रांड ऑयल, गामा ओरिजिनल मोनोपोली प्रोडक्ट, हमारा सेहत का राज, कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है हमारा प्रोडक्ट, सीसोल कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन की बहुत विशाल रेंज, एग्रीकल्चर सीरीज के लिए जमीन को बचाने के लिए सीओ सोइल कंपटीशन के लिए प्रोग्राम, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, बहुत यूनिक प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है, स्किन केयर हेयर केयर के लिए,
पर्सनल सारे इक्विपमेंट्स को सजाने के लिए हमारा क्लॉथ एसेसरीज टेक्सटाइल्स हमारे साथ में और बहुत सारी विशाल श्रृंखलाओं के बीच आज हमारे प्रोडक्ट रेंज में लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है। इतनी विशाल रेंज, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, R&D लेबोरेटरी टेस्ट रिसर्चर्स और उसके बाद कंपनी की इतने महान उद्देश्यों के साथ ये कंपनी काम कर रही है, तो आपको वाकई में विश्वास तो होगा कि क्या है। तो आइए इसको थोड़ा सा फायदे समझते हैं कि RCM के प्रोडक्ट खरीदने से फायदे क्या होंगे। फायदा एक सबसे बड़ा जो मेरे नजर में, सर शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद प्रोडक्ट मिलेगा और यह मिलावट का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद अपने स्टोर से और अपनों को डायरेक्ट देती है, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, कोई मिलावट नहीं करेगा। गुणवत्ता के हिसाब से, क्वालिटी अश्योरेंस के हिसाब से बाजार से कम कीमत है, यानी बाजार में जो प्रोडक्ट कई रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं हमारे पॉकेट से, वहां हम बचा सकते हैं क्योंकि बाजार से कम कीमत में मिलता है और खरीदार से कई सारे आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। एक ग्राहक को जो पहले कभी चवन्नी नहीं मिलती थी, यहाँ पर केवल दुकान बदलकर अपने प्रोडक्ट बदलकर अगर शुरुआत करता है तो उसको कई सारे आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। साथ में पक्का बिल मिलता है सर, जिसमें सारी टैक्स डिटेल होती है कि आपके खरीदे हुए सामान पर आपने आपके राज्य की सरकारें और भारत सरकार को कितना टैक्स दिया है, जो हमारे देश के विकास में भागीदारी में हम अपनी तरफ से सहयोग देते हैं। और साथ में कुछ सेविंग्स के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। ये सब चीजें आपको फायदे के रूप में मिलने वाली। अब प्रोडक्ट की विशेषता क्या है हमारे कि हम ये प्रोडक्ट ही क्यों कंज्यूम करें। सबसे पहला पावर है डेली यूजेबल प्रोडक्ट, जो हर आदमी की नीड है, वो पैसा कमाए या ना कमाए उनको ये सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से लाने ही पड़ेंगे। दूसरा हाई क्वालिटी, हमारा जो बेसिक थीम है उसको आप पकड़ेगा, डेली यूजेबल प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति को कंज्यूम करना है, उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तीसरा हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट है और चौथा जो इंपॉर्टेंट है रीजनेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट है। ये हमारे प्रोडक्ट की चार मेन पिलर्स हैं जो बहुत ज्यादा फीचर्स को अपडेट करते हैं, इसी वजह से ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सारे सामान मिलेंगे कैसे, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ ये सामान मिलेंगे सर, हमारी एक्सक्लूसिव जो इतनी शानदार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके माध्यम से सबसे बड़ा जो कंपनी का जो सिस्टम है, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में कंपनी ने अपने वेयर हाउस बना रखे हैं, जो 160 से भी ज्यादा वेयर हाउस यानी डिपो जिनको कहते हैं सेंट्रलाइज डिपो से इन डिपो में माल चला जाता है। ये डिपो आपके स्टेट में कंपनी के जो स्टोर्स है ये ऑल इंडिया लगभग, अभी ये आंकड़ा 10,000 पुराना है लेकिन लगभग 11,000 के आसपास हमारे स्टोर हो गए जिनका नाम है वंडर वर्ल्ड क्विक। ये 11,000 स्टोर पूरे हिंदुस्तान में आपको सर्विस देने के लिए रेडी खड़े हैं, तैयार हैं आप। और तीसरा माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, आपको जिसने भी आज इनवाइट किया है उनके और उनके सीनियर्स के पास में एक छोटा सा माइक्रो डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल है, जहां पर भी आपको वो डेली यूजेबल वाले प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है, आप वहां से भी कंज्यूम कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल पूरे इंडिया में काम कर रही है, जो माइक्रो गली मोहल्ले में है, और 11,000 से ज्यादा 10-11,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड और बड़े बड़े स्टोर्स पूरे इंडिया में हर शहर में खुले हुए हैं, और 160 से ज्यादा स्टेट डिपो जो हर स्टेट में हिंदुस्तान के, इन सारी व्यवस्थाओं से ये प्रोडक्ट मिलते हैं। और ये है हमारे स्टोर जहां पर आपको सारे प्रोडक्ट एकदम डिसिप्लिन तरीके से, आपको कई किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आए अंदर स्टोर में, एंटर होंगे, अपना बकेट उठाएंगे, अब बकेट लेके आप जैसे आप अपना स्टोर को विजिट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस प्रोडक्ट पे जाएगा और बकेट में डालते जाएंगे। इतना सिस्टमेटिक प्रोडक्ट पड़ा रहता है और इतना एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है पूरा, आपको किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं, सीधा बिलिंग काउंटर पे आएंगे, वहां से आप अपने प्रोडक्ट को तैयारी करेंगे। लेकिन होगा कैसे इसके लिए जानना, इसके लिए आपको एसोसिएट बायर कार्ड बनवाना है। एसोसिएट बायर कार्ड बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल गवर्नमेंट ऑथेंटिकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आपके पिताजी के या आपके हस्बैंड के या और आपके साथ में आप जिसको नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं उनके गवर्नमेंट ऑथेंटिकल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, फोटो आपकी, ये आपको प्रोवाइड करने हैं। ये ओरिजिनल फोटो आपको, आधार कार्ड ओरिजिनल देना होगा और ये हमें ऑनलाइन अपलोड करना है वेबसाइट www.rcmbusiness.com या हमारी मोबाइल ऐप RCM बिजनेस ऑफिशियल ऐप के माध्यम से आप इसको अपलोड करवा सकते हैं। जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनके द्वारा आप इसको अपलोड करवा सकते हैं। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं कंपनी आपको एक
रेफरेंस नंबर जनरेट करके देती, खरीदारी करने का अधिकार आपको दे देती है, और एक 10 डिजिट आपको नंबर अलॉट करती है। वो नंबर आपका ऑथेंटिकल नहीं होता, 24 to 48 आवर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, अलॉटमेंट होता है। उस नंबर के आधार पर आप इन स्टोर्स पे जाके अपने डेली रूटीन का प्रोडक्ट, जो मेरे हिसाब से एक मिनिमम फैमिली में 5 से 6 हजार रुपए का मिनिमम लगता है, वो वहां से आप खरीद के, और जैसे आप खरीदते हैं कंपनी आपको टेक्स्ट मैसेज भेजती है, वेलकम इन आरसीएम फैमिली, यूअर यूनिक एसोसिएट बायर नंबर सो एंड सो, वेलकम, थैंक यू, इस तरह का आपको मैसेज आता है। वो नंबर जो आपको मैसेज के थ्रू आया है, वो आपका परमानेंट लाइफ टाइम एसोसिएट बायर नंबर बन जाता है, और यहां से आप कंपनी के ऑथेंटिकल एसोसिएट बायर बन जाते हैं। और उसके बाद आपको 30 to 40 डेज के बाद आपको वेबसाइट के थ्रू आपका एक यूनिक आईडी कार्ड जारी हो जाता है। उस आईडी कार्ड को आप डाउनलोड करके कलर प्रिंट करवा लें, आपका ये कंपनी द्वारा ऑथेंटिकल डायरेक्ट सेलर एसोसिएट बायर का आपको राइट्स मिल जाता है उस कार्ड के जरिए। ये ऑथेंटिकल होता है जो भारत सरकार के नियमों में। ये हो गया यूजर करने के बाद, आप जैसे प्रोडक्ट ले जाएंगे यूज करेंगे, क्वालिटी अच्छी लगेगी, क्या है उसकी बेनिफिशियल, उनकी विशेषताएं आप जब सारी स्टडी करेंगे आपके सीनियर्स के माध्यम से, आप जिसने आपको इन्वाइट किया उसके माध्यम से इसको और डिटेल समझेंगे, तो आपको यहां पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में मिल जाती है। जी हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब यह दिमाग में आ रहा होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? नो, इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चॉइस इज योर हैंड, आपके हाथ में वो कैसे करते हैं आइए उसको समझते हैं। ये कुछ चेहरे में आपको दिखा के इसको प्रूव करना चाह रहा हूं। ये आप और हमारे जैसे कॉमन पीपल्स है, जो कोई कहीं नौकरी करता था, कोई छोटा मोटा व्यापार करता था, कोई मेडिकल स्टोर चलाता था, कोई अच्छी डिग्री करके प्रोफेशन अपना कर रहा था, कोई किसान था, इस तरह के अलग अलग बैकग्राउंड से ये सारे साथी आज आरसीएम बिजनेस में पिछले 20 साल 22 सालों से इस सिस्टम में लगे हुए हैं। आज इनका अप्रोक्सीमेट टर्नओवर जो एक साल का होता है 700 करोड़ से लेकर लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा, साल की नहीं बोल रहा हूँ, एक महीने का होता है। जी हाँ, इन्होंने भी एसोसिएट बायर कार्ड बनवाया, अपने घर के प्रोडक्ट बदले, दुकान बदली, आरसीएम वंडरवर्ल्ड पे आए, प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, प्रोडक्ट की विशेषताएं जानी, अपने सिस्टम को पकड़ा और लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो इनके आज इतना बड़ा टर्नओवर, इनका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, केवल दुकान बदली। आप सोच के देखिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट, आप बाजार में भी पैसा दे रहे हैं, यहां आपको वो बेनिफिट मिल रहा है। मुझे करना क्या है, स्वयं के कार्ड से लगातार खरीदारी करनी है, और आपके जैसे कार्ड बना है उसी तरह दूसरे लोगों के कार्ड बनवाने हैं। और अगर कार्ड नहीं बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, उनको ये प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट यूजर बनाइए, आप अपना कोड से खरीदें, उनको प्रोडक्ट सेल करें। ये तीनों काम करते हुए आपको जो बेनिफिट मिलेंगे, जो सिस्टम के द्वारा जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, जिनकी मैं चर्चा कर चुका था, कुछ पॉइंट्स और बोल रहा हूं। यहां पर आपको प्रिंट रेट से 10 से 20% तक की हाथों हाथ छूट मिलेगी। खरीदारी के बाद 10 से लेकर 32% तक इंसेंटिव आपके बैंक खाते में वापस आने वाला है। कंप्यूटर द्वारा पक्का बिल, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर आपको प्रोडक्ट में, वैसे तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि पूरा प्रोडक्ट चेक करके आता, फिर भी अगर हम 0.1% चांस माने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, कोई अच्छा नहीं है, तो आप उसको 30 दिन में आप अपने जिस स्टोर से आपने खरीदा वहां पर आप रिटर्न कर सकते हैं, मनी बैक रिटर्न ले सकते हैं, या प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। बिना पूंजी पूरे देश में व्यापार करने का अवसर मिल रहा है, या पूंजी नहीं लगानी, और देश के सहयोग डेवलपमेंट में हमें सहयोग करने का मौका मिल रहा है। ये काम करते हैं खरीदारी, तो यहाँ बेसिक परसेज इंसेंटिव आपको मिलता है जो 10% से लेकर 32% तक होता है, जिसमें आपकी छोटी छोटी खरीदारी धीरे धीरे बड़ा वॉल्यूम बनती है, और डे बाय डे आपके लेवल को अपग्रेड करते हुए 10% से 32% तक लेकर के आती है। यहाँ पर 100 रुपए से इनकम चालू होती है, जो लगभग 15,000 रुपए 17,000 रुपए तक की इनकम आपको एक महीने में केवल दुकान बदलने से, खर्चा बदलने से, और आपके प्रोडक्ट को यूज करके कुछ लोगों को प्रमोट करने से आपके घर में आना शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी गेन करें, तो इसमें आपको टीम का निर्माण करना पड़ेगा। यूअर नेटवर्क इज यूअर नेटवर्थ। यहाँ आपको नेटवर्क तैयार करते हैं तो आपको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है, जो 3% से लेकर 8% तक आपको रॉयल्टी मिल सकती है। इसमें इनकम का स्ट्रक्चर लगभग 15-17 हजार रुपए से महीने का स्टार्ट होता है, और हायरली लगभग आपके टीम स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, बट एवरेज जो है 50-55 हजार रुपए महीने तक की इनकम आपको इसमें मैक्सिमम 8% रॉयल्टी तक आती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें इनकम का है, वो है टेक्निकल बोनस, जो 1% से लेकर 5% तक होता है। यहाँ पर इनकम का लेवल लगभग 60-65 हजार रुपए
से चालू होता है और 5% लेवल जो आपको सबसे नीचे बॉटम लाइन में दिख रहा है उसमें अनलिमिटेड इनकम होती है। यहाँ पर इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतनी बड़ी इनकम आप ले सकते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, डिपेंड ऑन योर टीम साइज एंड स्ट्रक्चर्स, आप अपनी अनलिमिटेड इनकम के मालिक बन सकते हैं। आज आप देखेंगे नेटवर्क की पावर क्या, मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ। रिबॉक एक छोटा सा ब्रांड जिसको आज आपने हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड बना दिया, आज उसके 900 स्टोर इंडिया में खुल गए। बाटा जिसको बहुत कम लोग जानते थे लेकिन आज बाटा के पूरे हिंदुस्तान में 5300 शॉप खोल दी गई है। जियो नेटवर्क टेलीकॉम मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर का आज वर्ल्ड का सॉरी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क बन चुका है जिसमें 42.62 करोड़ सब्सक्राइबर है। टाटा जो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, नाम बहुत बड़ा है, 149 लोकेशन और 46 कंट्रीज में इसका अपना नेटवर्क है और 6 लाख एम्प्लॉई इसके पास है। ओयो एक 28 साल का नौजवान जिसने 7253 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बना ली, इसका नाम है रितेश अग्रवाल। उसके बाद जोमेटो जिसका अपना कोई शोरूम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई यूनिट नहीं, उसने आज अपनी टोटल इक्विटी 17327 करोड़ की बना ली। उसके बाद स्विगी जिसका कोई अपना शोरूम नहीं है, उसकी आज नेटवर्थ 2776 करोड़ रुपए होगी। ओला भावेश अग्रवाल जिसका अपना खुद का कोई मोटर व्हीकल नहीं है, जो हायर करके और सर्विस प्रोवाइडर है, वो आज 48750 करोड़ का मालिक है और कई सारे मल्टी कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहा है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंडन, इस तरह की बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डीमार्ट राधा किशन दमानी जी आज वर्ल्ड के अंदर अपना नाम रखते हैं, 294 लोकेशन पे अपने स्टोर्स है, 85 बिलियन इंडियन रुपीस का आज इनका नेटवर्थ है। ये सब क्या है सर, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, इन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया, इसलिए ये आज समय के साथ बादशाह है और अमीर है। क्या हम भी अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं? क्या हम भी अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं? क्या हम भी एक मजबूत टीम का निर्माण कर सकते हैं? आपको मिलेगा, अगर आप करते हैं निर्माण, आपको मिलेगा सम्मान। ये है मिस्टर प्रहलाद राय जी किसान परिवार से, ये है गुरुदेव आर के चांद साहब जो हमारे ग्रेट मेंटर, एक बाय प्रोफेशन एडवोकेट थे, आज उनको सम्मान मिल रहा है। वकालत करते हुए वहां पर सम्मान नहीं मिलता, न ताली मिलती, वहां गाली मिलती है, और यहाँ पर ताली मिलती है और सम्मान मिलता है सर। कदम सिंह राठी कंप्यूटर इंजीनियर, आज आरसी बिजनेस के टॉप अचीवर। आरसी पाणिग्रह जी नरला से, उड़ीसा से, एक शानदार बिजनेसमैन थे, उसके बाद आज टेक्निकल अचीवर। तिरुपति दास बिजनेसमैन टेक्निकल अचीवर। गणेश राव जी एक शानदार प्राइवेट जॉब करने वाले, उसके बाद आज एक शानदार टेक्निकल अचीवर। सम्मान हर इंसान को अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन उनको मिलता है सर। आरसी बिजनेस एक महान अवसर है सर। आप नए मेहमानों को मैं कहना चाहता हूं, आपने इसकी पोटेंशियलिटी को महसूस किया होगा, असीमित अवसर, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हमारे पास। हम जो भी समय दे सकते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है सर, किसी रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ भी नहीं है, केवल आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, वो भी गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से, और आपको एक एसोसिएट बायर नंबर लेके ऑल इंडिया को आपको बिजनेस करने का अवसर मिलता है। पूंजी नहीं लगानी है सर, न के बराबर, केवल घर के प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैसा देना है, वो तो हम कहीं भी दे रहे हैं, इसको हम, मैं नहीं कहता कि कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसलिए पूंजी नहीं के बराबर सर। और सपोर्ट ऑफ नेटवर्क, आज आपको जिसने इन्वाइट किया उनका सपोर्ट लीजिए, सिस्टम का सपोर्ट लीजिए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट लीजिए, और नो रिस्क। जब लगाया कुछ ही नहीं है तो रिस्क कहां से सर? आप सोच के देखिए, जहां लाखों करोड़ों लगाए हुए होते हैं, वो आदमी को 24 घंटे जागना पड़ता है, नींद नहीं आती, वो रात को सोते हुए भी जगता है कि कल मुझे क्या करना है। यहां हमने कुछ लगाया ही नहीं, टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है सर। कंपनी ने अपने 11,000 स्टोर खोल रखे हैं, कंपनी ने अपना पूरा कैंपस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोल रखा है, सारे कंपनी की टीम लगी हुई है, हमें उसको सपोर्ट करते हुए सहयोग लेना है, आगे बढ़ना है। कोई स्टाफ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना कंपनी ने सब मैनेज कर रखा है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, यहाँ पर हर कोई कर सकता है, केवल दो तरह के लोग नहीं कर सकते। पहला जो इस धरती पर अभी जन्मा नहीं है, 18 साल से छोटा है, और दूसरा जो इस धरती को छोड़ के चला गया, लेकिन हाँ उसका नॉमिनी कर सकता है, जो नॉमिनी छोड़ गया एसोसिएट बायर बनके तो कर सकता है, और अगर ज्वाइनिंग नहीं किया, इस सिस्टम को कार्ड नहीं बनवाया तो वो नहीं कर सकता, बाकी हर कोई कर सकता है। हर तरह के व्यक्ति को आपको ऑप्शन है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, 11,000 दुकानें खुली हुई है, औरत मर्द बुजुर्ग विद्यार्थी कोई भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कर सकता है। हम केवल मुनाफे के हिस्सेदार हैं, लॉसेज के नहीं है।
वहां लाखों रुपए लगा के परंपरागत व्यापार में लॉस और प्रॉफिट दोनों एक्सेप्ट करना है उसी को। यहां पर हमारा लॉस का कोई मैटर नहीं है, लॉस सारा कंपनी का, प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा। ये है सबसे बड़ा पावर और सबसे बड़ा बात, पूरे देश में काम करने की आपको आजादी सर। आज बाटा को भी पूरे देश में काम करने के लिए अपने फ्रेंचाइजी स्टोर खोलने पड़े। यहाँ पर आपको कुछ नहीं खोलना, मुझे कुछ नहीं खोलना, पूरे हिंदुस्तान में कंपनी ने जो 11,000 स्टोर खोल रखे हैं, आप उन स्टोर के मालिक हैं। आप वहां पर जाकर अपना बिजनेस, अपना नेटवर्क को ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी टीम का निर्माण कर सकते हैं। खाली टाइम का उपयोग करें, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें और आप अपने समय को यूटिलाइज करें। व्यक्तिगत विकास, यहाँ आप सिस्टम में आते हैं ना सर, एक ग्राहक को मालिक बनाने की मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम होता है। जो आदमी बोलना नहीं जानता था, आपके सामने आज सुरेंद्र जैन आपको समझा रहा है, सिखा रहा है। ये ताकत है केवल इस आरसीएम बिजनेस की। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है। नए लोगों से मेल जोल होता है। आज आप मुझे पहली बार मिल रहे होंगे, मैं आपको पहली बार मिल रहा होगा, लेकिन ये फाइनल है कि अब हम जब अगली बार जब मिलेंगे तो हमारा सिस्टम बहुत बड़ी क्रांति का आगाज बनेगा। हमारा सिस्टम हम दूसरों को सहयोग दिलाएगा, हम बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा पावर है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका आपको मिल रहा है सर। हेलो, आप चाहे डॉक्टर है, मैं किसी प्रोफेशन का वो नहीं कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन हैं, आपका पेशा, आपका प्रोफेशन आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे सकते। आप एक टीचर हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन टीचर बन जाए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आप बहुत बड़े शोरूम के मालिक हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन उस शोरूम को और ग्रोथ कर पाए ये कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है सर कि आप यहाँ जैसे एसोसिएट बायर बनते हैं, आप अपने नॉमिनी में जिसको अपॉइंट करते हैं उसको वापस इस बिजनेस को देकर जाने का मौका देते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सर। यहाँ पर तीन तरह से हम इनकम ले सकते हैं सर। पहला, प्रोडक्ट को यूज करके। जी हाँ, प्रोडक्ट को यूज करके, मात्र यूज करने से इनकम आती है घर में। आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ आपके घर में चवन्नी नहीं आई और यहां पर यूज करने से इनकम आती है। दूसरा फायदा, ग्राहक प्रोडक्टों की बिक्री करके। हमारे अगल बगल में बहुत सारे परिवार रहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स, हम उनको ये प्रोडक्ट की बताएं, विशेषताएं बताएं कि मैं यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी लीजिए, उनको प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो हमारे घर में इनकम आती है सर। कितना अच्छा है, पहले हमने प्रमोट कर करके लोगों को अमीर बनाया, अब हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम अमीर बन सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा जो है, हम एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे एसोसिएट बायर का हम एक निर्माण करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो उस नेटवर्क के द्वारा भी हम इनकम को कमा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज है सर कि आने वाले भविष्य के, अगर हमारे सपने अधूरे हैं, पुराने सपने, और भविष्य के अंदर उन सपनों को पूरा करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सबके पास केवल एक ऑप्शन है, खर्चों से इनकम करने का तरीका अगर हम सीख जाएं, खर्चों से वापस इनकम आने का रास्ता अगर हम खोल दें, खर्चों वाली बोतल में इनकम आने का सोर्सेस डाल दें, तो निश्चित तौर पर हमारे बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ने वाले हैं, हमारे ड्रीम्स को हम फुलफिल करने वाले हैं, हमारे सपनों में हम पंख लगाने वाले हैं, हमारी पर्सनैलिटी को हम डेवलप करने वाले हैं, और हमारे आसपास के कई परिवारों में, हमारे संस्कारों में, हमारे समाज में, हमारे रिलेशन में, परिवार में, हम कई लोगों को इन प्रोडक्टों के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य देने वाले हैं। तो ये सब पावर हमारे सिस्टम में है। इसलिए मैं आज आप सबसे, जो भी हमारे नए भाई बहन आए हैं, जो भी नए हमारे एसोसिएट बायर बनने के लिए आए, आज इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा सर, टेक ए डिसीजन राइट नाउ, क्योंकि एकमात्र कारण है, डिसीजन लेना ही आपको सफलता के राह पर चलने के लिए तैयार करता है। इसलिए आप तुरंत डिसीजन लें, जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो, उनके साथ आज ही आप मिलें, अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं और अपना एसोसिएट बायर नंबर बनाएं और तुरंत उस शहर के शानदार एक्सक्लूसिव कंपनी के जो स्टोर है या आपके जो जो जिन्होंने इन्वाइट किया है उनके पास डिस्प्ले वॉल जैसा एक सिस्टम है, आप वहां जाकर के अपनी परचेज करें और
इस सिस्टम में शुरुआत करें। मैं सुरेंद्र जैन आपका उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ, मंगल भावनाएं रखता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मुझसे पर्सनली फोन पर बात कर सकते हैं। मैं आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं को देते हुए, आप सबके मंगल भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए कि आपके जीवन में उज्जवल खुशियां हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।